Hi friends, welcome back to the Pragmatic Lopa. जब सोच रही थी किस अलग तरीके से इस बार दिवाली पे घर को सजाऊं, मैंने डिसाइड किया क्यों ना मेरे फेवरेट थीम ट्राई किया जाए। और पता है क्या है वो? एक बीच थीम। अगर अच्छा लगे तो इसे क्रिसमस डेकोर के तरह भी यूज करें। और अगर आप किसी स्पेसिफिक ओकेशन के लिए वेट ना करना चाहें, आई एम श्योर हर किसी को बीचेस अच्छे लगते हैं, और कौन ना चाहे उन प्यारे बीच साइड मोमेंट्स को वापस चेरिश करने को, तो इनमें से कोई भी ट्राई करें अपने घर में एक बीची टच देने के लिए। ये सारे 7 DIYs एक वीडियो में इंक्लूड करने से काफी लंबा हो जाता, इसीलिए मैंने इस बीच थीम को दो पार्ट में डिवाइड किया है। आज के Part-1 वीडियो में आप 4 DIYs देखेंगे और बाकी के 3 DIYs Part-2 में देख सकते हैं। Part-2 का लिंक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो को देखने के बाद Part-2 देखना ना भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो और ऐसे अमेजिंग DIY वीडियोस के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें। और देर ना करते हुए चलिए शुरू करें। पहले DIY के लिए हमें चाहिए एक वाइड माउथ ग्लास, कुछ असॉर्टेड सीशेल्स, सैंड आइदर रियल या डेकोरेटिव, और डेकोरेटिव वाइट सैंड भी चाहिए। पर मेरे पास ये एक ही है जो मैं दूसरे DIY में यूज करूँगी, इसीलिए एक अल्टरनेटिव ढूंढा। वाइट राइस ब्लेंड करें और इस राइस पाउडर को यूज करें। दोनों को अलग बाउल में रखें और ग्लास को भरना स्टार्ट करें। पहले वाइट से शुरू किया, फिर ब्राउन सैंड डाला, उसको अनइवनली स्प्रेड करें बाहर के वेव्स का अपीयरेंस देने के लिए। अल्टरनेटिवली रिपीट करते रहें जब तक उसके वेवी अपीयरेंस से खुश ना हो। अब कैंडल रखें, ऊपर से सैंड स्प्रेड करें, उसे नीचे की तरफ पुश करें ताकि वो बाहर से ना दिखे। अब अलग अलग शेल्स रैंडम फैशन में प्लेस करें एक नेचुरल लुक के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं कितना सुंदर वेव्स क्रिएट हुआ है। इंस्टेंटली सोचा क्यों ना इसमें थोड़ा ग्लिटर फैक्टर ऐड किया जाए जो अंधेरे में भी स्पार्कल करेगा, इसीलिए अपने पसंद के ग्लिटर स्प्रिंकल करें एंड एंजॉय। इसके लिए मैंने यूज किया है वाइट डेकोरेटिव सैंड, ग्लू, ब्रश, पेंसिल, सिजर्स, और ये एग्जैक्टो नाइफ नहीं चाहिए, ये गलती से रह गया है। अपनी पसंद का कोई फोटो फ्रेम और प्लेन वाइट शीट, आपकी इच्छा अनुसार कुछ भी लिखें, जैसे आपका कोई फेवरेट कोट या कोई ओकेशन रिलेटेड। क्योंकि ये दिवाली के लिए है, मैंने हैप्पी दिवाली लिखा, आप चाहें तो मेरे क्रिसमस लिखें। अब इंडिविजुअल अल्फाबेट्स काट दें। जब सारे अल्फाबेट्स तैयार हों, ब्रश से रेगुलर ग्लू अप्लाई करें, जैसे मॉड पॉज, और डेकोरेटिव सैंड से भर दें। और अगर आपके पास वाइट सैंड नहीं है, चिंता न करें, जैसे कि पहले मेंशन किया था, अल्टरनेटिवली राइस पाउडर यूज कर सकते हैं। सेम प्रोसेस से सारे अल्फाबेट्स यूज करें। जब सारे अल्फाबेट्स पे अच्छी तरह से सैंड लग जाए, फोटो फ्रेम पे सेट कर दें जिस तरह से भी आप चाहें। फाइनली हो जाने पर आप स्ट्रेट अवे इसी तरह यूज कर सकते हैं, पर क्योंकि ये दिवाली के लिए है, थोड़े लाइटिंग इफेक्ट के लिए ये स्ट्रिंग लाइट्स यूज करूंगी। केयरफुली फ्रेम के पीछे रैप करें और स्कॉच टेप के स्ट्रिप से सिक्योर कर दें। अब आपके पास होगा आपका अपना कस्टमाइज्ड सिंपल येट एलिगेंट फ्रेम जो घर के किसी भी स्पेस को रोशन कर देगा। इस प्लेस कार्ड होल्डर
जो काफी टाइम पहले बनाया था जब शूट नहीं किया था, क्योंकि इसे मैं इस बार के दिवाली डेकोर के बीच थीम में यूज करूंगी। चलिए देखिए इसे कैसे बनाया था। आपको चाहिए एक प्लेस कार्ड होल्डर, व्हाइट पोस्टर शीट, उस वक्त ये गोल्डन मार्कर पेन नहीं था इसीलिए ये मैसेज मैंने ब्रश से गोल्डन एक्रेलिक कलर से लिखा। कोई भी मैसेज जिससे आप रिलेट कर सके या ओकेशन के रिलेटेड। इस कार के लिए मैंने एक स्पीच बबल साइन ट्रेस किया। आप चाहें तो स्क्वायर, रेक्टेंगल या और कोई भी शेप रख सकते हैं। अब उसके बॉर्डर पे कट करें। एक बार आपका कार्ड रेडी हो अपना मैसेज लिख दें। जैसे मैंने एक्रिलिक कलर से लिखा, जो आपके लिए और भी आसान होगा अगर मार्कर पेन से लिखें तो। अब किसी भी वक्त आपके पास अपना पर्सनलाइज कार्ड होल्डर तैयार है। ये वॉल हैंगिंग भी पहले बनाया था जब शूट नहीं किया। जल्दी से एक्सप्लेन करती हूँ इसे कैसे बनाया। ये एक पुराना थ्रिफ्टेड कैनवस है जिसमें कोई पेंटिंग बना था जो मेरे काम का नहीं था, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था ये मैंने किस लिए लिया। पहले ब्राउन एक्रिलिक कलर के दो कोट से पेंट किया, क्योंकि इस बल्ब के आर पार आप देख सकते हैं इसीलिए बैकग्राउंड एक यूनिफॉर्म कलर का चाहती थी। इसे कवर करने के लिए आइदर आप इस तरह बल्ब का सिंगल शीट यूज करें या किसी भी तरह के बल्ब रिबन। मेरे पहले के किसी DIY प्रोजेक्ट से कुछ रिबन बचे हुए थे जिसे इस कैनवस पे भर दिया। ऐसे 3 यूज किया। ये नया कैनवस से प्रोसेस दिखाने के लिए यूज करूंगी। बल्ब से कवर करने पर पीछे से दोनों हॉट ग्लू और थंब टैग से सिक्योर किया, पर बाद में रियलाइज किया इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ एक ही से काम हो सकता था। पीछे से कैसा भी दिखे परेशान न हो, वैसे भी नहीं दिखने वाला। अब उन असॉर्टेड सीशेल फिलर से आपके पसंद के चूज करें और हॉट ग्लू से फिक्स कर दें उस पैटर्न में जैसा आप चाहें। इसी तरह इसे स्ट्रेट अवे यूज कर सकते हैं, पर दिवाली के लिए मुझे थोड़ा लाइटिंग चाहिए था इसीलिए कैनवस को एक लंबे सुई से रैंडमली पोक किया। जब ऑलमोस्ट सारे कैनवस पे हो जाए, एक के बाद एक लाइट्स इंसर्ट कर दे। सारे लाइट्स इंसर्ट होने पर पीछे से ये ऐसा दिखेगा। बैटरी को स्कॉच टेप के कुछ स्ट्रिप से सिक्योर कर दे और ये तैयार है। अगर ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा है इसे थम्स अप जरूर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर आने वाले कोई भी नए वीडियोस के अपलोड मिस नहीं करना चाहते तो वो बेल नोटिफिकेशन बटन हिट करें नोटिफाइड रहने के लिए। मुझे बताएं अगर ये वीडियो एंजॉय किया है, क्योंकि आपके ओपिनियंस मायने रखते हैं वीडियोस को और बेहतर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट देखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून, एंजॉय।